या मैच जीतना होगा, और अगर वो हार गए तो फिर जीना होगा मरना होगा, हमारा भी कर जाएगा साथ में काम खराब, हमारा काम और तमाम कर जाएगा, खराब नहीं होगा। वेस्ट इंडीज साइड के ये इंग्लैंड है, जो भी कोई जितना भी मजाक उड़ाए, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दिस नीदरलैंड साइड। बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया इंग्लैंड। क्या हुआ, क्या हुआ अगर रेस से बाहर हो गया है? लेकिन है तो अटैकिंग चैंपियन ना, डिफेंडिंग चैंपियन, जिसे अपने आप को अटैकिंग चैंपियन कहलवाना ज्यादा पसंद है। चैंपियन बना था तो कुछ तो खासियत होंगी, वैसी ही खासियत आज दिखाई है इंग्लैंड ने, काश पहले दिखाई होती। बेन स्टॉक्स 108 अकेले बेन स्टॉक्स ने मारे, कोई शक ही नहीं है कि कमाल का ऑलराउंडर है बेन स्टॉक्स। अच्छी पारी थी। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड भी अपसेट किया है, नीदरलैंड ने कई सारी टीमों को किया है, लेकिन आज नहीं कर पाई। नई टीम है, सीख रही है, बहुत अच्छा खेला, जैसा भी था बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा आप तो बताएंगे। चलिए अभी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया को कैसा लगा मैच, कैसा है एनालिसिस, कैसी है ये जीत, और भी कुछ छोटे बड़े अपडेट्स हैं, कैसा एनालिसिस है इन सब अपडेट्स पर। 160 रन से हरा दिया इंग्लैंड ने नेदरलैंड को। देखें मैच वाइटल था ना उनके लिए भी, वाइटल इस तरह था कि चैंपियंस ट्रॉफी की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, तो 8वें मैच में जाके वो अपने वर्ल्ड कप का दूसरा मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं और नेदरलैंड्स को हराने में, और अब पॉइंट्स टेबल पे वो अपने आप को 10वें से डायरेक्ट 7वें नंबर पे ले गए। और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जैसे मेड इनिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से, ब्रेक के बाद हम आए थे तो हम आपके सामने यही अर्ज कर रहे थे कि अगर ये तकरीबन ऊपर के 140 रन से जीत जाता है, जो कि 339 है, अगर 139 से जीत जाता है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो वो 139 की बजाय 160 से जीत गए। तो आप पॉइंट्स टेबल पे अपने आप को खींच के इंग्लैंड ऊपर ले गया, और अब सूरत हाल ऐसी है कि इंग्लैंड अभी 7वें नंबर पे मौजूद है, रन रेट अभी भी माइनस में है, लेकिन दूसरों से बहुत बेहतर है, -0.885 है, बाकियों के माशाल्लाह और भी बहारें लगी हुई हैं। बांग्लादेश -1.14, -1.16, श्रीलंका और नेदरलैंड का तो अब और भी हालात बुरे हैं। तो अब चार चार पॉइंट जो है नीचे वाली चार टीमों के हैं मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इंग्लैंड का नेट रन रेट बाकी तीनों से बेहतर है, दैट्स व्हाई दे आर एट नंबर 7। अब श्रीलंका पहुंच गया है 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे पहुंच गया है, अब उनको कल का मैच उनके लिए भी जीतना बड़ा जरूरी है। तो श्रीलंका ना सिर्फ हमारे लिए या बांग्लादेश के लिए, बल्कि वो अपने लिए भी कल उनको यह मैच जीतना होगा, यह मैच जीतना होगा, और अगर वो हार गए तो फिर जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा। तो श्रीलंका अगर कल का मैच हार गया तो फिर श्रीलंका अपना तो काम खराब कर ही जाएगा, हमारा भी कर जाएगा साथ में काम खराब, हमारा काम और तमाम कर जाएगा, खराब नहीं होगा, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और श्रीलंका को कल चाहिए कि जीते, मतलब हमारी सारी सपोर्ट एशियन टीम के साथ। मौसम में अक्सर नहीं बोलते एशिया एशिया एशिया, इस बार रिजवान साहब ने भी फैसला किया कि एशिया जो है तो इस केस में एशिया के साथ, इस वाले मैच में मैं साथ हूँ इनके, तो एंड पे आके जरा क्रिकलिंग। इस मैच में ऐसा लगा कि वर्ल्ड चैंपियन खेल रहा है, जो कि डिफेंडिंग नहीं अटैकिंग वर्ल्ड चैंपियन 160 रन से, वरना ये इतने इतने रन से माशाल्लाह हार रही है सारे मैच। ये एक बांग्लादेश वाला पहले अच्छा जीत गए थे और एक ये वाला। और जी मोहसिन अली साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, मुबारक हो, इंग्लैंड ने अपसेट कर दिया नीदरलैंड्स को, और नीदरलैंड जैसी एक खौफनाक खूनखार और दमदार और धुआंदार और कमाल की टीम को इस बिट्स एंड पीसेस की, एंड कांग्रेचुलेशंस टू नासिर हुसैन एंड मिस्टर माइकल वॉन, योर टीम हैज वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप वंस अगेन, एंड आईसीसी हैज डिसाइडेड विद द कंसेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज एट द टॉप ड्यू टू योर सुपर परफॉर्मेंस, मैक्सवेल मैक्सवेल फरहान फखर जमान जमान ये सब बकवास था, ड्यू टू योर आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टॉप कंटेंडर्स नीदरलैंड्स, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन कंसर्न विद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, दे हैव डिसाइडेड टू रिटेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी विद इंग्लैंड, कांग्रेचुलेशंस
Mr. Warren and Nasir Hussain, you were of the view that there is every possibility Pakistan might lose to England. But the matter of fact is your team आज आ गई अब पर लेकिन इट विल बी अगेन जैसे ये हमारे थे चढ़ेगी. बहरहाल मुबारकबाद है जी, ये तीन आज यतीमों को मस्कीनों को देख के तीन तीन विकटे ले गए. तीन ले गए जनाब, क्या नाम है, अली साहब तीन विकटे, आदिल रशीद साहब दो विकटे ऊपर से ले गए जी, विली साहब एक विकेट जो है वो रन आउट होगी. बेचारा तेजा तेजा क्या है, ये तेजा क्या है, वो रह गया एक ही तरफ अकेला. बल्ला पड़ के तीन तीन छक्के, एडिक्सन को छक्का, आदिल रशीद को छक्का, सबको छक्के लगाए लेकिन बेचारा आखिर में रह गया. सारे एक एक करके आउट होते चले गए. ठीक है, इट्स अ गुड विक्ट्री बट इट वाज एक्सपेक्टेड थैंक्स टू बेन स्टोक्स एंड वोक्स. दे फ्रॉम 191 दे मैनेज टू टेक द स्कोर टू 339. Definitely it was a it's not a West Indies side ke ye England hai jo bhi koi jitna bhi mazak udaye. On a very serious note, they were very very strong against this Netherlands side until unless Netherlands had the exposure, their cricket board has sufficient amount of funds. ICC woke up from the deep slum. It is almost next to impossible that such teams whose players had to think about their bread and butter for their families to meet both corners, it won't be a easy task for such teams. I feel like that ICC, which has sufficient amount of funds, they should allocate some of that amount to these kind of teams who had done pretty well in the World Cup. Sahi baat hai ji. Shubhankar Das ji, now that England is secure in top 8, unless they get a huge defeat by Pakistan, they will be relaxed and it's good opportunity to smash them. Baki to kal ke baad exact scenario pata chalega. Baat aapki sahi hai. Bilkul sahi baat hai. Kal ke match ke baad exact scenario pata chalega. Aur in fact, parson wala match bhi hai. लेकिन परसों वाले में कोई इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट अप अफगानिस्तान का उसी तरह ही हिसाब किताब है कि अगर वो जीते और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हारे. तो दोस्तों ये है कहानी. अब बात करते हैं कल के मैच पर जो कि बहुत ही शानदार मैच होने वाला है और कई टीमों की निगाहें होंगी इस पर जो खेल रही हैं. न्यूजीलैंड श्रीलंका वो तो खेलेंगी ही, चाहेंगी जीतना, लेकिन पाकिस्तान की नजरें भी होंगी इस मैच पर. बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा. क्या न्यूजीलैंड जा रही है सेमीफाइनल में? आपको क्या लगता है, क्यों लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा. अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.